सो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड आईडीज के बारे में। अगर आप भी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो या फिर किसी भी टेलीकॉम कंपनी की एक न्यू सिम कार्ड को लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप लोग अपने पुराने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवाना चाहते हैं लेकिन आपके पास जो आईडी है उस आईडी पर आप लोग पहले ही 9 नंबर एक्टिवेट करा रखे हैं, तो ऐसे में आप जब भी किसी भी शॉप पर जाते हैं एक न्यू नंबर को लेने के लिए या फिर अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवाते हैं, ऐसे में आप लोग उस आईडी से ना ही सिम कार्ड को ले सकते हैं और ना ही अपने पुराने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्राई के नियम के अनुसार अगर आपकी आईडी कार्ड पर नो सिम एक्टिवेट है तो ऐसे में आप लोग अपने उस आईडी से 9 से अधिक सिम कार्ड को ना ही ले सकते हैं ना ही अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ट्राई की तरफ से ऐसे 42 डॉक्यूमेंट हैं जिन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप लोग आसानी से सिम कार्ड्स को ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ट्राई की तरफ से जो भी 42 डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से 9 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप लोग आसानी से एक न्यू सिम कार्ड ले सकते हैं, साथ ही अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई की तरफ से 42 डॉक्यूमेंट्स में से 42 आईडीज में से मैं आप लोगों को 9 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जिनसे आप आसानी से एक न्यू सिम कार्ड को ले सकते हैं, साथ ही अपने नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं किसी भी दूसरे ऑपरेटर में। 9 आईडीज में से मैं आप लोगों को सबसे पहली आईडी बता देता हूं। यहां पर सबसे पहली आईडी है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग आसानी से अपने नंबर को पोर्ट करा सकते हैं दूसरे ऑपरेटर में, साथ ही एक न्यू सिम कार्ड को भी आधार कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्यादातर लोग आधार कार्ड का ही यूज करते हैं अपने नंबर को पोर्ट करवाने के लिए या फिर एक न्यू सिम कार्ड को लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरी आईडी आती है वोटर आईडी कार्ड। आप लोग वोटर आईडी कार्ड से भी एक न्यू नंबर ले सकते हैं, साथ ही अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं सिम कार्ड लेने के लिए या फिर सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आता है पासपोर्ट। आप लोग पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं एक न्यू सिम कार्ड को लेने के लिए या फिर एक नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराने के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है अपने घर का राशन कार्ड। आप लोग राशन कार्ड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस पासबुक। दोस्तों आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, वहां पर आप लोग जो भी अकाउंट ओपन करवाते हैं वहां पर आप लोगों को एक पोस्ट ऑफिस की पासबुक मिल जाती है। उस पासबुक से एक न्यू नंबर को ले सकते हैं, साथ ही आप लोग एक नंबर को दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर आईडी आती है वाटर व्हील। आप लोग वाटर व्हील का भी यूज कर सकते हैं एक न्यू सिम कार्ड को लेने के लिए या फिर अपने नंबर को पोर्ट करवाने के लिए। इसके बाद दोस्तों आठवें नंबर पर आता है टेलीफोन बिल। अगर आपके घर में टेलीफोन बिल है तो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर जो नवीं आईडी है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसका भी यूज कर सकते हैं अपने एक न्यू सिम कार्ड को लेने के लिए या फिर अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को 42 डॉक्यूमेंट्स में से 9 डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जिनका यूज करके आप लोग आसानी से किसी भी ऑपरेटर के एक न्यू सिम कार्ड को ले सकते हैं, साथ ही अपने नंबर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप लोग एक आईडी पर 9 सिम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स पता चल चुके होंगे। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।